आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के बुरहनपुर कोलसा के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अटेवा के प्रदेश मंत्री व साहित्यकार कवि विजय प्रताप यादव की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ कोलसा के शिक्षकों ने कुसुम यादव के आकस्मिक निधन पर परिवार को सहयोग राशि के रूप में 1,40,000 रुपए दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव की बहु प्राथमिक शिक्षक कुसुम यादव के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुसुम यादव का चरित्र बड़ा ही उत्तम था। आज के जमाने में ऐसी महिला समाज के लिए आदर्श महिला हैं, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अध्यक्षता कर रहे पटेवा के मंत्री विजय प्रताप यादव ने कहा कि उनका व्यक्तित्व हमेशा समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने समाज में कर्तव्य निष्ठा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत किया। ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ रविन्द्र यादव ने कहा कि कुसुम यादव बड़ी सरल और व्यवहार कुशल महिला थी और लोगों की भावनाओं का बड़ा आदर करती थी। इस अवसर पर उदयराज यादव, कृपा शंकर, श्याम बिहारी वर्मा, सत्यनारायण यादव, नौमी प्रसाद, अशोक पांडे, ओंकार, श्रीपद वर्मा, राजेश दुबे, घनश्याम यादव सहित अनेक प्राथमिक संघ के शिक्षक मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए बुरहनपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं लेखक एवं कवि अटेवा का प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव हूँ। आज एक महान शिक्षिका स्वर्गीय कुसुम यादव के विषय में शोक सभा आयोजित की गई थी, जो हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की भाभी थी और बहुत ही योग्य कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका थी और हम लोगों का उनसे जुड़ाव था। वह एक पेंशन विहीन भी थी क्योंकि उनकी नियुक्ति 2009 में हुई थी और वह प्रतिदिन विद्यालय जाया करती थी पढ़ाने। वह हम लोगों के लिए एक प्रतिमान छोड़ कर गई हैं। इतने बड़े परिवार की महिला होकर भी वह अपने को कभी विद्यालय से वंचित नहीं करती थी, कभी बच्चों से वंचित नहीं करती थी। वह हमेशा विद्यालय जाया करती थी और बच्चों को अपन पढ़ाने का कार्य किया करती थी और अपने कर्तव्य का पालन करती थी। उन्हीं के संदर्भ में आज ये शोक सभा आयोजित की गई और हमारे सारे अध्यापकों ने सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार किया कि ये बहुत ही नेक कार्य है, उचित कार्य है, ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को एक दिशा मिलेगी कि इतने बड़े परिवार की महिला जो एक शिक्षिका थी बेसिक शिक्षा परिषद में, वह चाहती तो विद्यालय नहीं भी जा सकती थी लेकिन वह ऐसा नहीं कि कभी अपने अधिकारों का कभी दुरुपयोग नहीं उन्होंने किया, कभी स्वच्छंद नहीं रही और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया। ऐसे महान शिक्षिका को हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।